हाय एवरीवन, आज हम मिले यहाँ पे टू डिस्कस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट था जो काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था। अब क्या थे इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सेलियंट फीचर्स और क्या थे इसके गोल्स, यही डिस्कस करने के लिए हम मिले हैं अब, है ना। चलो शुरू करते हैं इसको, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, एंड दैट इज वेदांतु लेके आ रहा है वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जो ऑल इंडिया लेवल पे लाइव एग्जाम रहेगा, है ना। पहला तो उसका पड़ाव पार हो चुका है 28 मार्च का। अब हमारे पास सेकेंड वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम आ रहा है ऑन 4th अप्रैल। जी हाँ, दिस संडे यू हैव 4th अप्रैल वेदांतु ऑनलाइन टैलेंट एग्जाम, जहां पे एग्जाम देने के बाद आपको इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस मिल जाएगा, आपको गारंटेड स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको डेली चैलेंजेस जीतने का मौका है, आपको वेदांतु का सीईओ बनने का मौका है, और यू कैन ऑल्सो विन अ ट्रिप टू नासा। नेक्स्ट, फिर हमने बोला अगर आपको हमारे साथ पढ़ना और अच्छा लगता है, इफ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतुस ऑनलाइन लाइव लर्निंग ऐप, देन जस्ट 7,000 रुपीज, दैट इज वॉट इज द फीस ऑफ क्रैश कोर्स। देखिए, क्रैश कोर्स का एक्चुअल फीस है 10,000, लेकिन अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर रहे हो BMCC, है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा कूपन कोड BMCC, तो आपका फीस हो जाएगा 7,000 रुपीज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे, आपके डिटेल्स फिल कीजिए, और फिर पेमेंट के टाइम पे नीचे वहां पे कूपन कोड पूछा जाएगा, वहां पे आप क्या अप्लाई करोगे, BMCC, ताकि आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 का 7,000 हो जाएगा, है ना। तो देर किस बात की है, क्योंकि क्रैश कोर्स में आपको पता है 120 सेशंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड पूरा सिलेबस कवर होगा। उसके साथ साथ डाउट्स के लिए आपके पास डाउट सॉल्विंग ऐप रहेगा फ्रॉम 8 AM टू 11 PM। नॉट ओनली दिस, यू विल हैव 10 फुल टेस्ट एंड 10 पार्ट टेस्ट, जो संडे संडे टेस्ट होते रहेंगे, ताकि आपकी और पढ़ाई की दोनों की पकड़ ना छूटे। इसके साथ साथ आपको अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और यस, आप मेरे जैसे मास्टर टीचर्स के साथ टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हो, जहां पे आप हमारे साथ इंटरैक्ट कर पाओगे और हम आपके साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे, है ना। अब देख लीजिए डेट्स, क्रैश कोर्स के लिए सबसे पहला बैच 22 मार्च से शुरू हो चुका है ना, जिनका 7 जून तक तो पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। अब आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, क्योंकि 5 अप्रैल से सेकेंड बैच शुरू हो रहा है। तो 5 अप्रैल से सेकेंड बैच शुरू होने वाला है, जो 17 जुलाई को अपने पूरे सिलेबस को खत्म करेगा। इफ नॉट दैट, तो आप 12 अप्रैल वाला बैच बाद में ज्वाइन कर सकते हो, जो 24 जुलाई तक खत्म होगा। बट रिमेंबर, 1 अगस्त को नीट का पेपर है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 5 अप्रैल वाला बैच एटलीस्ट ज्वाइन कर लो, ताकि 17 जुलाई तक में आपका सिलेबस हो जाए, तो आपके हाथ में एटलीस्ट 10-15 दिन होंगे अपने सेल्फ स्टडी के लिए, है ना। और प्लस आप यहाँ के टेस्ट, वो फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट वगैरह देते रहोगे, तो आपको उतना ज्यादा और बूस्ट होगा, आपके नीट का स्कोर और ज्यादा इंक्रीज होगा, ताकि आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सके। अब इसी के साथ साथ आई अगेन रिपीट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नीचे, और कूपन कोड क्या यूज करोगे, BMCC, है ना, ताकि आपको 30% ऑफ मिल सके। नेक्स्ट, अब हमने शुरू करना था वो जिसके लिए हम यहां मिले हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना, यही डिस्कस करने हम यहाँ मिले थे। सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमको वो देखना है, कौन थे वो जिन्होंने शुरू करने की सोची, जिन्होंने इसको फंड देने की सोची, जिन्होंने सोचा नहीं ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बन सकता है। एंड 3 नाम आपको मिलेंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, सेकेंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, और थर्ड वेलकम ट्रस्ट। ये 3 इंस्टीट्यूट बहुत बड़े फंडिंग इंस्टीट्यूट या फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक छोटा मोटा 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, वो पूरा 13 ईयर्स का बड़ा प्रोजेक्ट था, जो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कोऑर्डिनेट और फंड किया था। उसके बाद में ये याद रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नॉट ऑल अबाउट बायोलॉजी, उसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एथिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड व्हाट नॉट, क्या कुछ नहीं है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट कि हमको इंसान का जीनोम पढ़ना था, ऐसा हमने सोचा, लेकिन ऐसा नहीं था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 1990 में शुरू हुआ था, 13 ईयर्स प्रोजेक्ट था, 2003 में खत्म हो गया। उसमें हमने ह्यूमन जीनोम्स के साथ साथ और क्या क्या पढ़ा, तो देखो वहां पे दिख रहा है एक प्लांट, कौन है वो, अरेबिडोप्सिस थालियाना,
उसके अलावा वी हैव अदर ऑर्गेनिजम्स जिसका जीनोम हमने पढ़ा था, सच एज ये ऊपर कौन था, ये एस्टरेशिया कोलाय। फिर हमारे पास है सेकेरोमाइसिस सर्वीसिए जिसको हम कॉमनली ईस्ट बोलते हैं, और लास्ट हमारे पास है यहाँ ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। सो अरेबिडोप्सिस थालियाना, इकोलाय, ईस्ट एंड ड्रोसोफिला कॉमनली नोन एज फ्रूट फ्लाई, इतने ऑर्गेनिजम्स के जीनोम हमने पढ़े, सर्च किए और उसको मैप भी किया। नेक्स्ट इतना ही नहीं तो हमने सिनोर हैबिटिस एलिगेंस, फिर हमने माइस और हमने राइस, इनके भी हमने जीनोम स्टडी किए। सो वी हैव स्टडीड जीनोम्स ऑफ सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस। अब क्यों ऐसा? सो राइस एंड अरेबिडोप्सिस थालियाना प्लांट के जीनोम स्टडी करने के लिए यूज किया गया था, सिनोर हैबिटिस एलिगेंस वर्म है तो वर्म के जीनोम पढ़ने के लिए काम आ गया, माइस इज एन आइडियल और यू कैन से अ नॉर्मल मैमल, जिसपे मैमल के जितने एक्सपेरिमेंट्स होने होते ना, ह्यूमन रिलेटेड जितने एक्सपेरिमेंट्स होने होते वो पहले माइस पे होते, इसीलिए माइस का जीनोम भी हमने स्टडी कर लिया। इकोलाय इज एन आइडियल बैक्टीरिया और एन आइडियल प्रोकैरियोट जिसपे सारे एक्सपेरिमेंट्स होते प्रोकैरियोटिक वाले। तो हमने चुन चुन के उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया जो हमारे आइडियल ऑर्गेनिजम्स थे और उनका जीनोम स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हमने सीक्वेंस किया और हमने डिटरमाइन किया तीन बैक्टीरियल जीनोम को, सबसे पहला माइकोबैक्टीरियम जेनिटेलियम, दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और तीसरा मिथानोकोकस जेनास्टी। अब इन तीनों का जीनोम कितना बड़ा था, तो हमने बोला तीनों का जीनोम हमने स्टडी करके कंप्लीट कर लिया और हमको ये पता चला माइकोबैक्टीरियम इज 569 किलो बेस पे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज 1830 किलो बेस पेयर और मिथानोकोकस जेनास्टी 1660। सबसे छोटा कौन है, तो हमने बोला अब तक का सबसे छोटा जीनोम माइकोबैक्टीरियम जेनिटेलियम का है, इट इज द स्मॉलेस्ट जीनोम दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अब जाते हैं गोल ऑफ एचजीपी, है ना, गोल क्या थे, क्यों हमने शुरू किया था एचजीपी, क्या सोच के शुरू किया था एचजीपी। सो चलो लिख लेते हैं। सबसे पहला ह्यूमंस के अंदर जो 20 to 25,000 जीन्स है उनको आइडेंटिफाई करना था। इतना ही नहीं तो जो 3 बिलियन बेस पेयर, 3 × 10^9 बेस पेयर का हमारा जीनोम है, उसको हमने सोचा था पूरा पूरा हम सीक्वेंस देखेंगे, मतलब पहले ए टी सी सी जी सी जो भी सीक्वेंस है उसको हम शुरू करेंगे फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड से और 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड तक पूरा रीड करेंगे। फिर इस पूरे इंफॉर्मेशन को अगर आप बुक में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो 1000 अगर आपने न्यूक्लियोटाइड्स एक पेज पे लिखे और 1000 पेजेस का पूरा बुक है तो आपको 3300 बुक्स लगेगी हमारे एक न्यूक्लियस का जो डीएनए है ना उसको लिखने के लिए। सोचो 3300 बुक्स, अब इतना सारा कौन लिखेगा, इसलिए हमने सोचा चलो डेटाबेस बनाते ताकि वो शेयर करना भी इजी हो जाए, डेटा एनालाइज करना भी इजी हो जाए, कंपेयर करना भी इजी हो जाए एंड उसके साथ साथ इट विल आल्सो मेक अस इजी टू ट्रांसफर दीज टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स। जैसे कि हमने बोला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है या फिर ऐसे कोई रिलेटेड इंडस्ट्रीज है जिनको ये डेटा काम का आएगा, मेडिसिन इंडस्ट्री है, सो इन इंडस्ट्रीज को ये इंफॉर्मेशन पास करना भी इजी हो जाएगा अगर हमने ये इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर की तो। उसके साथ साथ यहाँ पे क्योंकि आप बहुत सारे एनिमल्स यूज कर रहे थे, ह्यूमन वॉलंटियर्स यूज कर रहे थे, एथिकल लीगल और सोशल इशू होने के फुल चांसेस थे, तो उसको भी सॉल्व करके रखना, दैट वॉज अनदर गोल फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। फिर हमने बोला सेलियंट फीचर्स में क्या क्या जाएगा, क्या क्या हमने पढ़ लिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। सबसे पहला हमको ये पता चल गया कि ह्यूमन जीनोम में 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स या 3 बिलियन बेस पेयर्स है जिसको हम लिख सकते थे 3164 मिलियन। ओके 3 बिलियन मतलब 3000 मिलियन होता है, बट 3000 से थोड़ा सा ऊपर था, 164। नेक्स्ट सेकेंड चीज जो हमको पता चला, नॉर्मली अगर आप कोई भी एक जीन देखते हो ठीक है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है तो उसमें 3000 बेसेस होने चाहिए, बट दैट इज एन एवरेज वैल्यू, ठीक है वो बढ़ भी सकता है वो कम भी हो सकता है। सबसे बड़ा जीन हमको कहां मिला, तो हमने बोला डिस्ट्रोफिन जीन विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4 मिलियन बेसिस का। सी नॉर्मल 3000 बेसिस का था बट डिस्ट्रोफिन जीन 2.4 मिलियन बेसिस जितना बड़ा था। नेक्स्ट हमने सोचा था कि हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 80,000 to 1 लाख
40,000 जीन होंगे इन ईच न्यूक्लियस, लेकिन ये सही नहीं था। हमारे बॉडी में कितने थे? 30,000 जीन से भी कम। नेक्स्ट, सो व्हेन यू से सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितने जीन्स हमने सोचे थे? 80,000 टू 1,40,000 जीन्स, और कितने मिले हमको? 30,000 जीन्स। नेक्स्ट, इतने जो 30,000 जीन्स मिले उसमें से 50% से भी ज्यादा जीन्स का हमारे पास फंक्शन आज तक नहीं पता है। और हम ये बोलते हैं कि वो जो 50% का फंक्शन हमको पता है उसमें भी लेस देन 2% ऑफ द जीनोम विल कोड फॉर प्रोटीन। 2% से भी कम जीनोम है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी सारा जीनोम जंक डीएनए रहेगा, या फिर हो सकता है कि उनका फंक्शन हमको अब तक नहीं पता है। बहुत सारा जो बड़ा सा पार्ट होता है हमारे जीनोम का, वो कौन कवर कर रहा है? रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस वो होती है जो बार 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 रिपीट करते रहेगी, एंड यही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आपको और मुझको एक दूसरे से अलग बनाती है। रिपीटेड कितनी बार होगी, कहाँ होगी और कहाँ कैसे होगी, दैट इज डिफरेंट बिटवीन यू एंड मी, बट यस इट विल बी लिटिल बिट सेम बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं रिपीटेड सीक्वेंसेस एंसेस्ट्री या हमारे पेरेंट्स से हमको रिलेट करने में हेल्प करेगा, इसीलिए ये हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, रिपीटेड सीक्वेंसेस जैसे 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 आप देखते जाओगे आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं रिपीटेड सीक्वेंसेस का डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं होगा, वो किसी प्रोटीन सिंथेसिस में या किसी चीज के लिए कोड नहीं करता है, बट यस वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और हाँ एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए मैंने बोला वो हमको हमारे एंसेस्ट्री से मिलाता है, इसीलिए वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज भी होता है। सिंपल। अब नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे लास्ट क्रोमोसोम था जो हमने सीक्वेंस किया था, और उसमें सबसे ज्यादा जीन्स होते, कितने? 2,968 जीन्स। आई रिपीट, क्रोमोसोम 1 वॉज द लास्ट जीन, लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड, और सबसे ज्यादा जीन उसी क्रोमोसोम 1 में है, 2,968। ठीक है, 2005 में क्रोमोसोम नंबर 1 लास्ट में सीक्वेंस किया गया था। क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन रहेंगे, दैट इज 231। आपके और मेरे न्यूक्लियस के डीएनए के अंदर हमको ऐसे 1.4 मिलियन लोकेशंस मिले हैं जहां एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, मतलब जैसे आपका पूरा सीक्वेंस और मेरा पूरा सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड अलग होगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब समझो 3000 बेसिस का सीक्वेंस है, तो पूरे 3000 बेसिस सेम होंगे, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड अलग होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली यू कैन कंसिडर 2999 सेम होगा, एक अलग होगा। ऐसे हमको कितने लोकेशंस मिले जहां वो एक अलग हो सकता है? 1.4 मिलियन। उसको हम प्यार से स्निप्स बोलते हैं, SNIPS, स्निप्स। स्निप्स का मतलब होगा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यही है जो हर एक इंसान को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, दैट इज स्निप्स। नेक्स्ट, फिर हमने बोला कि यही यही इंफॉर्मेशन की वजह से क्रोमोसोम का लोकेशन, डिजीज आइडेंटिफाई करना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पढ़ना, जेनेटिक डिजीजेस को पढ़ना, और कहीं ना कहीं जीन थेरेपी की मदद से उसको क्योर करना, ये सब कुछ किससे रिलेटेड जाएगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक एम ये भी था कि वो इसीलिए पूरा जीनोम पढ़ रहे हैं बिकॉज इससे हम जेनेटिक डिजीजेस या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को कहीं ना कहीं ट्रीट या क्योर कर पाए, कम से कम उसका कॉज तो ढूंढ ही पाए, है ना, इसीलिए हमने ये करना सोचा था। और ये देख लो, ये होता है हमारे पास जेनेटिक मैप। तो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखेगा जेनेटिक मैप, एक पूरा क्रोमोसोम दिखेगा, क्रोमोसोम के ऊपर आपको दिखेगा कहाँ पे कौन से जीन्स है, कितनी दूर कौन सा जीन है, नीचे आपको फिजिकल मैप मिलेगा जहां पे मिलियन मेगा मेगा बेस पेयर में आपको डिफरेंस दिखेंगे, जेनेटिक मैप में आपको सेंटी मॉर्गन में सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। इसी के साथ कमिंग टू द पॉइंट, जो मशीन आपको दिख रहा है और ये जो लोग दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज नोन एज सैंगर्स मेथड। सैंगर्स मेथड मतलब ये मशीन जो होता है वो है डीएनए सीक्वेंसर जो सैंगर्स मेथड पे चलता है।
सैंगर वो इंसान थे जिन्होंने हमको बताया डीएनए को कैसे सीक्वेंस किया जाएगा। अगर सैंगर का मेथड नहीं होता तो शायद डीएनए सीक्वेंसिंग इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता। और सैंगर ने सिर्फ डीएनए सीक्वेंसेस बताया क्या, नहीं, ही ऑल्सो डेवलप मेथड ताकि हमको अमीनो एसिड का सीक्वेंस, मतलब अगर आपने मशीन के अंदर प्रोटीन डाल दिया तो वो मशीन रीड करके आपको ये बता देगा कि प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। सो अमीनो एसिड के सीक्वेंसेस भी कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हमको सैंगर ने बताया। सो सैंगर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सिंपल, एंड दिस इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जहां हमने ह्यूमन के जीनोम्स पढ़े, उसको डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर किया। 1990 से शुरू हुआ था, 2003 में खत्म हुआ, लेकिन आखिरी क्रोमोसोम नंबर 1 2005 में सीक्वेंस किया गया था कंप्लीटली। सिंपल, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Everyone, if you like to watch these videos, if you learn so much from this, and if you want PDF notes for it, तो जल्दी से जल्दी नीचे लिंक में टेलीग्राम लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कर लो और फटाफट टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद वेदांतु, नीट मेड इजी। बाय।